आलन तालुका बेलम की विलेज में तमाम गांव के लोग और दिगर विलेज और तालुका से बिना तफरी के मजहब व मिल्लत हर धर्म के लोग यहां जमा हुए और अंबराय बेलमगी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर भाईचारगी का पैगाम दिया गया है। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के मानने वाले जमा हुए और अंबराय बेलमगी को मुबारकबाद देते हुए मौजूदा मुल्क के हालात पर बात करते हुए धर्म की राजनीति पर नाराज़गी जताई है। अंबराय बेलमगी ने तमाम मेहमानों को तहनियत पेश कर इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शुक्रिया अदा किया और तमाम मेहमानों ने अंबराय बेलमगी को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। लोक कल्याण तन राजग्रह त्यागमी सकल जीवी लेसन बयसल सकलात्म करणे शांति बोधिस महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध यह नाड़ी हनरने शतमान समाज समानते क्रांति तु अनुभव मंटप मूलक जनरल जाति निर्मूल प्रयत्न भक्ति भंडारी अण्ण बसवण्ण इवरेल विचार सिद्धांत संविधानिकवा नमेलू एल रंगदलू कई हिड़ू करे ते निज ते बाबा साहेब अंबेडकर विचारधार नमसत यह दिन धम्म संकल्प समावेश अंगवा ध्यान बुद्ध ध्यान भूमि बुद्ध विहार बेलमगे कार्यक्रम दिव्य सानिध्यक पूज्य स्वामीजी विश्वनाथजीवे यह वो कार्यक्रम प्रीत अभिनंदन सल्त नमंदे कार्यक्रम शुभ हारिक बंद सोदर मोहम्मद अफजल अंसारी जो शैब अंसारी जो रमेश लोहार नम जो बाबूर अरुणोदयर इवरेल कूड़ा नानू दिन धम्म संकल्प समावेश प्रवक्त शुभ हारिक कारण इंदू नमेल हुट हब्ब आ हुट हब्बू ना समाज के वो नीति मार्ग तक हे वो सण प्रयत्न बाबा साहेबरिंदे वो मतन हुट अथवा साहु इतिहास साहु अमर उड़ी अंत वो संकल आएर मध्यदू प्रीतिगंतु एलू मैत्रीगंतु एल हृदय वे विचार जीवन से तुमतक जीवन नमदात विचारदे ना नम हुट प्रयुक्त धम्म संकल्प समावेश मूलक इडी नाड़ी शांति प्रीति मैत्री तुम मूलक जाति सर्व जनांग जनरली कूड़ा बुद्धर बोधिसतकंतद्दु बसवण्ण हेळिरतक्कंतद्दु शरणरागिरतक्कंत एल्ल शरणरु बयसतक्कंत विचार शांति आ शांतियन्नु नावु ई मूलक जनरल्लि तुंब मूलक जनरन्नु नावु जागृतगोळिसतक्कंत प्रयुक्तवादंत ई ओंदु कार्यक्रम आ कारणक्कागि ई विशेषवादंत कार्यक्रमदल्लि भागवहिसिदंत एल्ल बंधु भगिनीयरु कूड नानु ई तम्म माध्यमद मूलक मत्तोम्मे शुभ हारैके कोरुत्तेने। आज अंबराय बेलमगी का जो बर्थडे है मैं उनको मुबारकबादी देने के लिए हमारे अलन तालुका का एक विलेज बेलमगी बोल के गाँव है वहाँ पे गांव में आया हूँ जहाँ पर सभी धर्म के लोग अंबराय हमारे मेरा दोस्त है ख़ास तो ख़ास ख़ास दोस्त है और बंते जी हैं अंबराय बेलमगी तो उनकी मुबारकबादी देने के लिए मैं बहुत ही सारे काम छोड़ के मेरे को बहुत ही काम रहने के बावजूद भी मैं इसलिए आया क्योंकि मैं ये छोड़ नहीं सकता था मेरा दोस्त है ख़ास इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ देखकर मेरे को भी बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे स्वामी दुतुरगांव के स्वामी जी हैं और हमारे रमेश लोहार साहब हैं जौलन के माने हुए एक लीडर हैं उन्होंने बहुत से पार्टियों में काम किया है और हमारे बेलमगी साहब अंबराय को तो सभी जानते हैं बंते जी हैं उन्होंने लीडर हो के बाद में जो है समाज को जोड़ने का काम करने के लिए वो मकसद से उन्होंने बंते जी बनकर जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह मैं भी बहुत ही इस मामले में जज्बाती होता हूं और बाबूराव अरुणोदय भी जो है इस काम में लगे हुए हैं। सभी दलित मुस्लिम सिख ईसाई लिंगायत हिंदू जितने भी धर्म के लोग हैं ऐसे कई सेकुलर लोग हैं जो हर फेस्टिवल में जाते हैं हर प्रोग्राम में जाते हैं बर्थडे होंगे या आपका दीपावली है दशहरा है जितने भी रमज़ान है बकरीद ये सब लोग हम मिलजुल कर इस देश में मुझे लगता है 5% से 10% लोग ऐसे हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं और इस देश को जो है तोड़कर फोड़ के इस देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो जज्बाती लोग जज्बे में आके जो झगड़े को
सियासत वाले जो झगड़ा को बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चे इनके बहकावे में ना आएँ और जुड़ कर रहें, बड़ों से मशवरा करें। जितने भी हमारी देश की आज़ादी से पहले जो हमारी हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई की जो भाईचारा है, वो भाईचारे को कायम रखने के लिए काम करें और सोचें, जज्बात में ना आए। और ये देखिए, अब आज हम एक ही बेंच पर बैठे हैं, जब सब हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सभी हैं, तो इसमें कौन सा हमारा क्या ब्लड अलग है? क्या हम देश के लिए हम कुर्बानी नहीं दिए? क्या दलितों ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया? क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दिए? क्या लिंगायत है, सिख ईसाई ब्राह्मण है, जितने भी धर्म के लोग हैं, ये सभी लोग इस देश के लिए कुर्बानी देकर ये देश को आज़ादी से अंग्रेज़ों से छुड़ाए। लेकिन आज हमारे कुछ लोग जो है इसको तोड़ कर जो इस देश पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो कलबुर्गी जिले आलम तालूकिन बेलमगी ग्राम बुद्ध विहार विहार प्रमुखर भंते अमरज्योतिवर जन्मदिन कार्यक्रम नावेलू सेरी वो धर्म प्रतिज्ञे समानत दिन वो शरण संगम अवंत दिन आचरता केवल नम भंतेजीवर अस्े अल नम बसव कल्याण लिंगायत महामने महामठद पूज्य बसव प्रभु स्वामीजीवर बर्तडू कूड़ा इवत दिन ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರ ಬರ್ತಡೇನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಜನ್ಮ ಬರ್ತಡೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬರ್ತಡೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಫ್ಜಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಂತೇಜಿಯವರ ಈ ಬರ್ತಡೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಒಂದು ಭಾರತದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ದೇಶ ಮೇ ಆಜ್ಕ ಜೋ ಹಾಲತ್ ಹೈ ಈ ಹಾಲತ್ ಬಹುತ್ ನಾಜುಕ್ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ಹಾಲತ್ ಕಾ ಜೋ ಕಾರಣ ಈ ಸಿಯಾಸಿ ಕರಣೆ ವಾಲೆ ಜೋ ರಾಜನೀತಿಕ ಲೋಗ್ ಹೈ ಸಮಾಜ ಮೇ ದೇಶ ಮೇ ರಾಜ್ಯ ಮೇ ಗೈರ್ ಬರಾಬರಿ ಕೋ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಔರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾತೀಯ ಜೋ ದಂಗಲ್ ಹೈ ಕೋಮುವಾದ ಹಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ वो करने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं. लेकिन आज के दिन भाईचारा का जो संदेश है पूरा देश भर में देना, और हम सब भारतीय है, हम किसी प्रकार का हमारा धर्म अलग हो सकता है लेकिन हमारा देश एक है, हमारा विचारधारा एक है. हम इस देश का संविधान का दायरे में हम सब जीते हैं. सभी धर्म का जो संरक्षण है संविधान करता है, संविधान से भी बढ़कर कोई भी नहीं. इसलिए संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, मसावाद को मानने वाले हम लोग हैं, और हम सब मिलकर बुद्ध बसव अंबेडकर और सभी महापुरुषों का, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर साहब है, महात्मा बसवण्णा जी है, यीशु मसीहा है, और बहुत सारे धर्म के बौद्ध धर्म के बुद्धा है, और महावीर जैन धर्म के है उनका विचारधारा, और सिख धर्म के गुरु नानक जी का विचारधारा, सभी संतों का, सभी सूफी संतों का विचारधारा का ये भूमि है, ये भारत भूमि है. इस भूमि को किसी एक जाति एक धर्म या एक पार्टी में एक अलग सा करने का कोशिश जो कर रहे हैं ये सरासर गलत काम है, संविधान का खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए. इसलिए सारे धर्म के लोग हम इकट्ठा होकर समाज में शांति स्थापित करने के लिए और भारत का एकता और एकजुटता को स्थापित करने के लिए हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम बना रहे हैं, और हमारे अमर ज्योति भंते जी भी इस काम में दिन रात रो मेहनत कर रहे हैं, और अफजल अंसारी साहब भी इस काम में हाथ मिलाने के लिए हमारे साथ आकर वो भी काम कर रहे हैं, और मैं तो बहुत साल से ये काम कर रहा हूँ. हमारे बसव प्रभु स्वामी जी भी ये काम कर रहे हैं, और बाबूराव अरुणोदय है यहाँ, और रमेश लोहार जी वो माजी जिला पंचायत के मेंबर थे, वो भी
इस काम में जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। इस काम के लिए आप सबका भी साथ सहयोग हम चाहते हैं। हमारा आपसी जो भी भेदभाव है ये भूलकर और राजनीति लोगों का जो षड्यंत्र है उसको विरोध करते हुए हम सब एकजुट होना चाहिए। युद्धभूमि बेळमगियल्लि इवत्तु अमर ज्योति बंतेजी हागू बसव कल्याण बसवप्रभु स्वामीजीवर हागू इन्नितर बौद्ध उपासकरु बसव भक्तर ओंदु हुट्टु हब्बद निमित्तवागि ओंदु वैचारिक चिंतने गोष्ठी ಯಾವ ರೀತಿ ಬುದ್ಧ ಸಾಗಿ ಬಂದರು, ತದನಂತರ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾತಿಯ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ತೋಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇರಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು, ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಊಟದ ಪ್ರಸಾದ. ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂತೇಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.